कभी लगा कि आपके बस की नहीं होगा फिर हाँ, सर बहुत बार डिसीजन ले लिया? बहुत बार लगा। तो आपके मनीष सर हैं जी सर जो आपको हेल्प करते थे? जी सर। तो क्या बोलते थे वो? सर उनका एक ही कहना था कि मेरी जो लिमिट है वो BDS या BHMS के लिए नहीं है, MBBS मैं कर सकता हूँ और मुझे इसी के साथ रिजिड रहना चाहिए, बस मेहनत करते रहे, MCQ करते रहे, जो तू कर रहा सही कर रहा है। तो आपको बार बार लाभ दे दे क्यों? हाँ सर, हाँ हमेशा सर लगा रहे, हनुमान लगा रहे। जी सर। सर मतलब मैं एक छोटी सी बात भी बोलना चाहूँगा, जैसे रामायण में होता नहीं कि जो जब हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो जानवंत जी ने उन्हें बताया था कि हाँ तुम कर सकते हो, तो सर मेरी लाइफ में ना वो जानवंत का ही काम उन्होंने ही किया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि तू कर सकता है तो करता रहे। आप सोच रहे हो ना गाइस, मैंने एक वीडियो में आपको रिसेंटली बताया था, आप खुद के ऊपर शक नहीं कर सकते इस टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सेल्फ डाउट इज योर बिगेस्ट एनिमी, और आप एक बार सोच लोगे मैं कर सकता हूँ। ये सब जो चैप्टर्स हैं जिनसे आपको बहुत डर लगता है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बस इनको ज्यादा घंटे देने की जरूरत है, थोड़े क्लियर माइंड से ये समझने की जरूरत है कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब आपको ज्यादा घंटे देने हैं और कुछ भी नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ आयुष कुमार है, ऑफिस आए हुए हैं, इनका स्कोर है 700 और पिछले साल इनका स्कोर था 400। इन्होंने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और मैं इनसे बहुत स्पेसिफिक चीजें पूछना चाहता हूं। जब पहली बार में स्कोर 400 के आसपास आता है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, खुद के ऊपर बहुत शक होता है, लगता है मेरे बस की नहीं है, मन करता है छोड़ दूं। आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी सर। आपने मुझे बताया कि नीट एग्जाम से अक्टूबर तक आप तैयारी वापस चालू नहीं कर पाए। जी सर। क्यों? दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट था कि? हाँ सर, मेरे को ना बहुत ज़्यादा डाउट था, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे बस की नहीं है, मैं MBBS नहीं कर सकता हूँ। क्यों ऐसा लग रहा था? आपके 12th में कितना परसेंटेज था? सर 90। तो आपको किसी ने बोला नहीं कि 90% बहुत ज़्यादा होता है और 400 से डरने की बात नहीं है? सर एक्चुअली लोग तो ये कहते हैं कि CBSE बोर्ड में ना 90% लाना बहुत ईजी होता है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है लाना। ठीक है, तो आपने कब डिसाइड कर लिया कि मैं तैयारी करूँगा? आपने मुझे बताया अक्टूबर एंड के आसपास आके। जी सर। ठीक है, तो अब उस समय ये नहीं लगा कि बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने? हाँ सर लगा तो सही, लेकिन सर ये था कि हाँ जब कोई एक सर होता जो मोटिवेट कर सके तो मैं कहता कि नहीं भाई तुम्हारी जो लिमिट है वो इससे ऊपर है, तुम ये डिजर्व नहीं करते हो, तो फिर तुम एक एक स्टेप आगे पहुँच ही जाते हो कि हाँ भाई अब कर ही लेते हैं तैयारी, एक बार वो ट्राई दे ही देते हैं। तो आयुष ऐसा करूँगा, ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ बहुत सारे बच्चे चेस कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो आपकी एक एक स्पेसिफिक चीज पकड़ पकड़ के स्टूडेंट्स को समझा देंगे, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वाली चीज की क्लैरिटी आ जाएगी कि जब मैं अक्टूबर में चालू कर रहा हूँ, अभी तो अगस्त है, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, अभी से यदि स्टूडेंट चालू कर रहे हैं वो क्या चीजें कर सकते हैं जिससे ये वाला जंप हो जाए? आयुष का आ सकता है तो आपका भी आ सकता है ना? आपको इनके चेहरे से लग नहीं रहा होगा कि कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल है, इनके मुकुट लगा हुआ है, मुंह से अजीब सा तेज आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है। एक एक करके चलते हैं, तो सबसे पहले टाइम टेबल की बात करते हैं। तो आपने कुछ सोचा, कुछ टाइम टेबल वगैरह बना लेता हूँ, कुछ आइडिया रहा आपका कि इन इन चैप्टर्स को पहले खत्म करूंगा, कितनी रफ्तार से खत्म करूंगा, कुछ सोचा इस चीज के बारे में? सर पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि सबसे पहले जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं उसको देखते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में, उसके बाद सर मैं नीट प्रेप की जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज थी उसके साथ साथ मैं फिर कंटिन्यू करता गया था। तो नवंबर की बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स में आपने कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश की, केमिस्ट्री में कौन से और बायो में कौन से? सर फिजिक्स में सबसे पहले सर मैंने मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट की। तो बच्चे मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, पर इसको मैं बोल लेता हूँ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। केमिस्ट्री में सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। और बायो में सर एज पर नीट प्रेप टेस्ट सीरीज, तो नीट प्रेप की जो टेस्ट सीरीज है उसके शेड्यूल के हिसाब से। ये आपने नवंबर में किया, आपने ये जो आपको गंदे गंदे चैप्टर लगते थे इनको समेटने की कोशिश की, और इसके बाद आपने नीट प्रेप की जो टेस्ट सीरीज थी उसके हिसाब से रेडी होने के हिसाब से तैयारी करते रहे। जी सर। गुड, ठीक है। सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स गाइस, आपको जो चैप्टर मुश्किल लगता है एक बार क्विकली फिनिश कर लीजिए, जो भी आप टेस्ट सीरीज उसके बाद आपने ज्वाइन की हुई है उसके हिसाब से चलने की कोशिश करिए। जनरली जो टेस्ट सीरीज होती है उनकी रफ्तार इस तरह से होती है कि एक जो उनका राउंड होता है, हम जैसे हमारी टेस्ट सीरीज टोटल 5 राउंड के अंदर है, पहले राउंड के अंदर 11th के 4 पार्ट, 12th के 4 पार्ट, उसके बाद 11th के 2 पार्ट, 12th के 2 पार्ट, फिर 11th एक, 12th एक, और उसके बाद
फुल सिलेबस, और उससे पहले अभी हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला चालू किया है जो अभी खत्म होने वाला है. अब नेक्स्ट 11th के चार पार्ट, 12th के चार पार्ट वाला चालू होगा, तो दैट इज वेरी गुड. तो यदि हमारे स्टूडेंट्स आप लोग इसके हिसाब से चले तो आपका सिलेबस फर्स्ट राउंड 19 जनवरी तक फिनिश हो जाना चाहिए. वेरी गुड. तो आपका इस हिसाब से सिलेबस फर्स्ट राउंड कब तक खत्म हो गया था? सर फेब के लास्ट तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग तक हो गया था. ऑलमोस्ट मार्च बिगनिंग तक आपका सिलेबस खत्म हुआ था. जी सर. अब मुझे एक चीज बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि सर मैं जो पढ़ रहा हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप जिस सप्ताह से टेस्ट सीरीज चल रही थी उस हिसाब से हर एक टेस्ट के लिए प्रॉपरली तैयारी नहीं कर पाए? नहीं सर, एक्चुअली आपके टेस्ट में ये था कि हर एक टेस्ट में ना एक एक वीक का गैप था, तो वो मतलब सफिशिएंट टाइम होता था. एक तो सर जल्दी उठना भी हो गया, ठीक है, और ऊपर से 7 घंटे की नींद भी लेनी होती थी, तो हो जाता था कम्प्लीट. हो जाता था, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि यदि आपको कोई चैप्टर आता है तो पूरा चैप्टर की थ्योरी करने की जरूरत नहीं है. आप ये कर सकते हैं कि आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, यदि आपका सिग्निफिकेंट सही हो जा रहा है 90-95% बिल्कुल मत करिए और सीधा आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट वाले चैप्टर पे चले जाइए. पर कम आ रहा है तब उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है. अब मुझे एक चीज बताइए, थ्योरी के लिए आपने यकीन बैच ज्वाइन किया हुआ था, राइट? जी सर. तो यकीन बैच में आप लाइव क्लासेस नहीं करते थे, आपको जिन वाले चैप्टर से प्रॉब्लम था उनका रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया, हाँ. कुछ स्पीड पे लगा के, हाँ, और उसके बाद क्वेश्चन. पर कोशिश हमेशा ये थी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है. कितने चैप्टर्स की थ्योरी की होगी आपने? सर बायो के सारे किए थे मैंने, फिजिक्स के मैंने कुछ ही चैप्टर के किए थे और केमिस्ट्री के मैंने सबके किए थे. तो आपने फिजिक्स की थ्योरी क्यों नहीं की? सर हमें मतलब सर यूजुअली फिजिक्स में क्या होता है कि ना नीट के पेपर न्यूमेरिकल से आते हैं और कुछ जो इक्का दुक्का जो थ्योरी बेस्ड आती है वो यूजुअली क्लासेस में बताई दिया जाता है, तो सर इसलिए मैंने कमी की थी. ठीक है, समझ गया. तो ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरी नहीं की, आपने थ्योरी की पर रिकॉर्डेड लेक्चर से की जिससे आप अपनी सीक्वेंस में कर पाए, आपको लाइव क्लासेस में क्योंकि एक रिजिड सीक्वेंस होता है. ठीक है. एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर आपने टारगेट बैच में से कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? रेकमेंडेड एमसीक्यूज किए और उसके अलावा सर पीवाईक्यू और असर्शन रीजंस. और असर्शन रीजन? जी सर. क्या आप डीपीपी भी जनरेट करते थे? हाँ सर, वो तो सर मतलब वो तो मस्ट था करना. ठीक है. तो रेकमेंडेड एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, असर्शन रीजंस, और जब भी कहीं पे गड़बड़ होती थी तो डीपीपी जनरेटर. तो एग्जांपल बताओ, जैसे इन वाले चैप्टर्स में डीपीपी जनरेटर? सर इनमें तो सबकी बनाई थी मैंने, हर एक टॉपिक की बनाई थी, हर एक चैप्टर की बनाई थी इसमें. ठीक है. तो मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, आयुष आपने मुझे ये भी बताया कि सर आपने ये एक्सप्लेन किया था, आप मेरे वीडियोस देखते थे, तो आप कहीं पे इस जगह पे थे पिछले साल, तो ये बताओ कि इस जगह पे थे, है ना, आपके 400 नंबर आपको क्या लगता है क्यों आया? क्योंकि आपने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था? एक तो सर मेरी थ्योरी अच्छी नहीं थी, ऊपर से सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी, मतलब बहुत ही लाइटली लिया था मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस को. पर आपके दिमाग में ये भी था कि सिर्फ यहाँ से करके आगे नहीं पहुंचेंगे? सर ये था सर, मतलब जब आपने ये वीडियो डाली ना तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने इस चीज के ऊपर एनालाइज किया और मुझे लगा कि हाँ भाई एमसीक्यू तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना सिलेक्शन तो मतलब इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता. और उसके बाद आप रेगुलरली टेस्ट भी, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया? नहीं सर, मैंने सर नीट प्रेप का एक भी टेस्ट सीरीज मिस नहीं किया था, हर एक दिया था मैंने क्लासरूम के. ठीक है. और उसके बाद टेस्ट के बाद सॉल्यूशन देखते थे हर एक? हाँ सर, हर सर यूजुअली जो क्वेश्चन जैसे तुक्का जिसमें लग गया थोड़ा बहुत उसके तो मैं देखते ही था, जो गलत जाते थे उसके तो मस्त थे. पर जरूरी नहीं हर एक सही के देखते. हाँ हाँ, उतना टाइम नहीं होता. नहीं सर सही. ठीक है. और उसके बाद वीक एरिया फिक्सिंग का क्या प्लान होता था? टेस्ट से पता चलता होगा क्या आता है क्या नहीं आता? हाँ सर. इस बाय द वे मुश्किल टेस्ट थे? नहीं सर बिल्कुल, एनसीईआरटी बेस्ड थे, ना एनसीईआरटी से बाहर जाता था ना एनसीईआरटी से. मैक्सिमम स्कोर कितना आया? सर 680 आया मेरे नीट प्रेप में. कितनी बार 650 के ऊपर है? सर आई थिंक 5 या 6 बार, इससे ज्यादा बार नहीं आए. आउट ऑफ अराउंड 23 टेस्ट? हाँ, वो भी सर जब लास्ट का टेस्ट चलते हैं मार्च और अप्रैल वाले उसी में, वो भी सर सब में नहीं, मतलब गैप छोड़ छोड़ के. तो आयुष मुझे याद है मैं एक बार हमारे जनकपुरी सेंटर गया था, एंड में आपसे मिला था, तो उस समय आपने कहा था कि मेरा स्कोर अटक गया. जी सर. तो उस समय कितने नंबर पे अटका हुआ था? सर अराउंड 650. 650 पे अटका हुआ? बिल्कुल. 650 पे स्कोर होता है उसे अटका हुआ बोलते हैं? आई थिंक सर, क्योंकि ना मतलब जितनी मैं मेहनत कर रहा था ना उसके हिसाब से सर मेरे को ना चाहता था कि आराम से 680 प्लस आ सकते थे, लेकिन सर बढ़ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे. सर फिर मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी, तो सर उस दिन सर आप सेंटर पे आ गए, तो सर मैंने आई जस्ट आस्क्ड. तो आपने क्या चीज़ बदली? सर आपने मुझे ये स्ट्रेटजी दी कि अपना थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज कर, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स करता था, तो सर ने मुझे बोला कि इसको थोड़ा सा
चेंज कर दे। तो मैंने सर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करते थे जी सर, इसको आपने चेंज करके क्या किया? पहले केमिस्ट्री किया, फिर बायो किया और फिर फिजिक्स, फिर फिजिक्स। फिर बताओ इससे क्या फर्क पड़ा? सर फर्क यही पड़ा कि सर मतलब थोड़ा ना माइंड को ना रिलैक्स हुआ कि हाँ भाई कि तुमने पहले से ही मुश्किल चीजें कर चुके हो तो अब तुम्हें बस आसान चीजें ही करनी है तो वो आराम से हो जाए। तो इसका मतलब यह है जब हम बायो के अंदर घुसते हैं तो हमें लगता है बहुत तेज दौड़ना है जी सर, पर हम केमिस्ट्री में घुसते हैं तो हमें पता है कि हमें करीब 50 मिनट मिल रहे हैं जी सर, और उसके बाद फिर बायो की तरफ आते हैं और फिर फिजिक्स की तरफ जी सर। वापस आ जाते हैं एक बार, तो टेस्टिंग की भी बात हो गई, आपका डेली रूटीन क्या होता था? सर डेली रूटीन ये था कि सुबह मैं 5 बजे उठ जाता था, उसके बाद सर मैं थोड़ा योगा या मेडिटेशन या फिर थोड़ी रनिंग कर लेता ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश हो सके। उसके बाद सर रनिंग? हाँ जी सर। खचा पे यार कितना रन करते? सर मतलब हमारे यहाँ सर एक ग्राउंड है वहीं पर उसके एक या दो राउंड लगा लेता। 800 मीटर टाइप अप्रोक्स? दो राउंड बिना रुके? नहीं सर रुकता था, बीच में गैप चाहिए होता था। ठीक है, तो डेली रूटीन है 5 बजे उठे, कुछ मेडिटेशन किया, कुछ रनिंग किया, नाश्ता कितने बजे किया? सर अराउंड 6:30। ये सारी चीजें 6:30 बजे तक हो गई? दौड़ भी लिया? हाँ सर घर के पास में ही मतलब पार्क है ना तो हो जाता था। 6:30 बजे नाश्ता किया, उसके कितने बजे से पढ़ने बैठ गए? 7 बजे के आसपास पढ़ने बैठ गए। ठीक है, और अब जरा मुझे बता दो कि तो 5 बजे उठे 5 AM और उसके बाद कितने बजे सोए रात को? सर अप्रोक्स 12 बजे सर, मतलब बीच में 2 घंटे का वो भी होता था। आफ्टरनून नैप भी है? जी सर 2 आवर आफ्टरनून नैप। और 12 नाइट स्लीप है ना? जी सर। ठीक है, अब इसके बीच में 7 बजे पढ़ना चालू किया, ठीक है 7 AM, ठीक है, और कितने घंटे मतलब सोने से पहले कितने घंटे की पढ़ाई हो जाती थी इस टाइम पे? से थ्योरी टाइप करते थे कुछ? हाँ सर, जो जो वीडियो लेक्चर MCQ प्रैक्टिस, तो ये थ्योरी है और ये MCQ प्रैक्टिस है जी सर। अच्छा, कोई दिन में ये भी चीज बैठाई हुई थी कि मुझे दिन में हर रोज कुछ टाइम रिवीजन के लिए भी देना है? हाँ सर एक था, मतलब लास्ट में जो मेरे 11 से 12 के बीच का जो टाइम होता था ना तो उसमें रिवीजन का टाइम होता था खाना खाने के बाद। ये रिवीजन टाइम है 11 से 12, एक्सेलेंट। ठीक है गाइस, ये लार्जली रूटीन है, तो करीब 10 से 12 घंटे की डेली पढ़ाई हो जाती थी आराम से सर, मतलब हम और ज्यादा नहीं, इतना हो जाता था आराम से, पर 12 से ज्यादा नहीं होता, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं लगती। जी सर बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बता दो आयुष, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे, कभी लगा कि आपके बस की नहीं होगा फिर? हाँ, बस है सर, बहुत बार डिसीजन ले लिया, बहुत बार लगा। तो आपके मनीष सर हैं जी सर जो आपको हेल्प करते थे? जी सर। तो क्या बोलते थे वो? सर उनका एक ही कहना था कि मेरी जो लिमिट है वो BDS या BHMS के लिए नहीं है, MBBS मैं कर सकता हूँ और मुझे इसी के साथ रिजिड रहना चाहिए, बस मेहनत करते रहे, MCQ करते रहे, जो तू कर रहा सही कर रहा है। तो आपको बार बार लाभ दे दे क्यों? हाँ सर, हाँ 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 हमेशा सर लगा रहे, हनुमान लगा रहे। जी सर। सर मतलब मैं एक छोटी सी बात भी बोलना चाहूँगा, जैसे रामायण में होता नहीं कि जो जब हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो जानवन जी ने उन्हें बताया था कि हाँ तुम कर सकते हो, तो सर मेरे लाइफ में ना वो जानवन का ही काम उन्होंने ही किया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि तू कर सकता है तो करता रहे। आप सोच रहे हो ना गाइस, मैंने एक वीडियो में आपको रिसेंटली बताया था आप खुद के ऊपर शक नहीं कर सकते इस टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सेल्फ डाउट इज योर बिगेस्ट एनिमी, और आप एक बार सोच लोगे मैं कर सकता हूँ। ये सब जो चैप्टर्स हैं जिनसे आपको बहुत डर लगता है ये रॉकेट साइंस नहीं है, बस इनको ज्यादा घंटे देने की जरूरत है, थोड़े क्लियर माइंड से ये समझने की जरूरत है कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब आपको ज्यादा घंटे देने हैं और कुछ भी नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। आपके सामने आयुष कुमार है, स्टूडेंट्स, फैंटास्टिक स्टोरी, काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें इन्होंने इस वाले वीडियो में बताई, अपनी जर्नी के बारे में बताया, शुरू में इनको खुद के ऊपर बहुत शक था, फर्स्ट अटेम्प्ट पे 400 और 12th के अंदर 90%, फिर भी ही वाज नॉट श्योर कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए, पर इनको मनीष सर मिले, कुछ और लोगों ने इन्हें मोटिवेट किया, ही डिसाइडेड टू ड्रॉप, और अब ये एक जबरदस्त बड़े कॉलेज में जाने वाला है। आयुष कुमार फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।